نحمده ونسلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى هو قولي وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكروا أولوا الألباب صدق الله العظيم तमाम तारीफ़ें क्यबियाई अजमत अल्ला चमान के लिए है जो इस कायन का खालि मालिक और मतब्र है और करोड़ों दरूदसम ख़ातिमबीन सैदुल्बिया नबी करीम सल वसम पर मेरी अज़ीज़ बहनोंकम वबरकू मौजूदा हालात वक्त का नाम है न ना रमज़ान व रौनखों का नाम है हमने इन गुस्ताख कोताही और गुस्ताखियों से अल्लाह रब को नाराज़ किया है लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें एक जरिए मौका दिया है अल्लाह से लो लगाने का कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करने कार से अपनी ज़िंदगियों को बदलने का कुरान से अपनी इस्लाह करने कार से कोताज़न होने का कुरान जो एक हीरे मोती की कान है उसमें गहराइयों गहराइयों में गो जाने का मोमिन हर शर के अंदर खैर का पहलू ढूँढता है और इस लॉकडाउन में हमारे लिए खैर का पहलू यह है कि अब आपको ना बाज़ार डिस्टर्ब कर सकेंगे ना खाने पीने की चीज़ें डिस्टर्ब कर सकेंगी ना इफ्तार पार्टीज़ डिस्टर्ब कर सकेंगे बस ये रमज़ान मेरे और मेरे रब के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ का रमज़ान होगा इन मेरी अजीज़ बहनों रजूल कुरान का मकसद बताते हुए अल्लाह रब्ल्ज़्जत फरमाते हैं किताबन अनज्ला ना तुखरेजन नात नूर के कुरान को नाजिल करने का एक अहम मकसद ये है कि ये लोगों को गुमराहि से हिदायत की तरफ ले जाए अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए तारीखी से रोशनी की तरफ ले जाए अब ये अंधेरे मुख्तलफ हो सकते हैं अकीदे का अंधेरा यानि बातिल अदे से दुरुस्त अदे की तरफ आमाल का अंधेरा बुरे आमाल से अच्छे आमाल की तरफ़ फिक्र व सोच का अंधेरा ग़लत गलत फ़िक्र और सोच से पाकिज़ा फ़िक्र और सोच की तरफ आदत का अंधेरा बुरी आदत से अच्छी आदत की तरफ जहालत का अंधेरा जहालत से इल्म की रोशनी की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान को बुनियाद बनाकर इन तमाम अंधेरों को दूर कर दिया और नूर से मुनवर फरमा दिया जब तक हम कुरान के हकूक़ अदा नहीं करेंगे कुरान के इस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे आइए मुख्तर मुख्तरा हम देखते हैं कि किरान के हकूक़ क्या है कुरान के पांच हकूक़ हैं जो हर हर मुसलमान पर हजब सलाहियत और इस्तात आयद होते हैं कुरान को माने जैसा कि मानने का हक़ है उसको पढ़ें जैसा कि पढ़ने का हक है उसको समझे जैसा कि समझने का हक़ है उस पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक़ है और उसकी तबलीग करे जैसा कि तबलीग करने का हक है असल ईमान दिल से मारने का नाम है ज़बानी अखरार से मुसलमान तो हो जाता है लेकिन मोमिन तभी होता है जब यकीन दिल में उतर जाए और जिस ख़दर, दि, जिस दर्जे का यकीन होगा फिर उसी दर्जे का अमल भी होगा उसको पढ़ें जैसा कि पढ़ने का हक़ हाँ है अल्लाह रब् लजत फरमाते हैं अल्लादीन आती ना किताब यू ना हक़ जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत इस तरह करते हैं जैसा कि उसको करने का हक़ है उसको समझें उसको समझ कर पढ़ें समझने का हक़ है खुरान में फरमाते हैं वल़दयल में यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला लेकिन इसमें एक शर्त है कुरान को उसकी अपने हमें पढ़ना होगा तर्जुमा हमें इंस्पायर नहीं का ही है जैसा अगर गालिब के शेर को हम अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं तो आ, उसका क्या हशर होगा हम अंदाज़ा कर सकते हैं जब कोई तर्जुमा पढ़ रहा होता है तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप तर्जुमान की आँखों से उसकी जहन को पढ़ रहे हैं अल्लाह का जो अल्लाह सुबहान सुबहानताल तुआ, तुआ जो कहना चाहते हैं वो को कोई भी तर्जुमा किसी भी ज़बान का तर्जमा उसका नमदल नहीं हो सकता इसीलिए हमें अल्लाह के अल्लाह का जो कलाम है उसकी जबान अरबी जबान को समझना होगा क्या बहन क्या अजीज़ बहनों हमने कभी ये सोचा है कि एक मामूली सा अखबार हम बग़ैर समझे नहीं पढ़ते तो क्या वजह है कि ये अल्लाह क्या मेरे रब का कलाम है और हम इसको समझे बगैर ही पढ़ लेते हैं जब हम कुरान को समझेंगे तो फिर उस पर फिक्र और तदब्बर भी कर सकेंगे अल्लाह अल्ला इरशाद फरमाते हैं किताब उन अनज्ल ना इलेक मुबारक मुबारकन लिए तदब्बरु आयात ही हमने आपकी तरफ मुबारक किताब नाजिल की है क्यों ताकि ताकि लिए तदब्बर आयात ही ताकि उसकी आयात पर ग़ौर फिकर करें और अलबाब ऊलॉलबली तज़रा ओल अलबाब ताकि अखलमंद उसे नसीहत हासिल करें कुरान पर अमल करना जैसे कि अमल करने का हक़ हाँ है जब समझ कर पढ़ेंगे तो हिदायत नसीब होगी और हिदायत से अमल की तोफ़ी होगी और अमल के जरिए हमें निजात नसीब होगी और उसकी तबलीग करना जैसा कि तबलीग करने का हक हाँ है आज हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है क्या हर नया सूरज ये पैगाम नहीं देता कि जो तुम कल नहीं कर सके वो आज कर लो हर नया सूरज एक नया मौका है अगर कल सो, सो कर गुजारे तो उस पर अफसोस करने के बजाय उठो और कुछ कर लो अल्लाह ने इंसान होने के नाते एक मकसद दिया और मुसलमान होने के नाते एक मकसद दिया इंसान को तो इबादत का हुक्म दिया और मा खलतुलजिना वालसाउदून और उम्मत होने के नाते अल्लाह ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गुन तुम खरा ग तुम खरा उम्मत उखरजत नास की तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है उम्मत को ख़ास अल्लाह ताला एहसास देते हैं और उम्मत को उसका पता ही नहीं अल्लाह ने इस्लाम की अमानत कुरान की अमानत हमें दी है और अमानत में ख़यानत करना मुनाफत की अलामत है अल्लाह का कलाम इसलिए नहीं आया कि उसे जूस दानों में सजा कर रखा जाए या उसे उसे तवीज़ बनाकर लटकाया जाए या उसे वजीफ़े की तरह पढ़ा जाए लेकिन इसका जो असल पैगाम है वो हमारी ज़िंदगी से मिसिंग है लतुखर जन्ना सन्ना ुमात नूर कुरान इसलिए नाजिल हुआ ताकि लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाएँ यह कुरान जिंदगीों को अंधेरे ज़िंदगियों के अंधेरे को रोशनी में बदलता है हलाल और हराम का फ़र्क़ बताता है नफा और नुकसान का फ़र्क़ बताता है हक और बातिल में फ़र्क को वाजे करता है खैर और शर में तमीज़ करता है कुरान का पैगाम मुर्दों को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि चलते फिरते इंसानों के मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए आया है आज उम्मत कुरान के इस असल पैगाम को फरामोश कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत सच होती हुई दिखती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान पढ़ा जाएगा मगर रस्म के तौर पर इस्लाम होगा मगर सिर्फ उसका नाम होगा मेरी अज़ीज़ बहनों रमज़ान हर साल ये पुकार लगाते हुए आता है कि तुम्हारे पास एक अजीम शान किताब मौजूद है तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस पर अमल करो और उन बंदों तक पहुँचाओ जहाँ कुरान नहीं पहुँचा है अब ये बात हमारे ऊपर है कि हम इस पुकते हैं या मुंह मोड़ते हैं लेकिन याद रखें मुंह मोड़ने वालों के लिए अल्लाह इज़्ज़त का इरशाद है

मुझे अंधा क्यों कर उठाया गया है दुनिया में तो मैं बीना था अल्लाह जबान तरमाएँगे ख़ाल कज़ालिका तेरे पास ख़ाल क़ाल के आतत का आयात होना तेरे पास दुनिया में मेरी आयत आई थी तुझे पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता था फनसी तहा तूने उसे भुला दिया वो कजाल का योम तुन जाओ आज के दिन हमने भी तुझको भुला दिया अल्लाह अकबर से मुंह मोड़ने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में क्यामत के दिन शिकवा करेंगे रसूलू या रबील खुर क़्यामत के दिन गूँजने वाली पैग़म्बर इस्लाम की ये वो सदा है जिसमें हजूर नबी करीम सल्लाम परवरदिगार से अपनी कौम की शिकायत करेंगे और कहेंगे ए मेरे रब मेरी कौम ने इस क़ुरआन को नज़रअंदाज कर दिया सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि इस ख़द्र अहमियत और बाबरकत की हामिल ये किताब अब तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी नबी करीमल वम ने फरमाया, कुरान तुम्हारे हक़ में या तो हजत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ बनेगा, अल-खुरान हजत बनेगात ग़ौर फरमाइए जिस आदमी के ख़िलाफ़ रसूल सल्हम और कुरान खुद अल्लाह इज्जत की बारगाह में शिकायत करेगा तो उसे कौन सी ज़मीन पना देगी और कौन सा आसमान उसकी मदद करेगा अल्लाह जबाना फरमाते हैं जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा ना बदबक ना बदबखती में मुबतला होगा बस ये लोगों जो ईमान और यकीन के तालब हो हिदायत और रहमत के महताज हो सुकून और सकीनत के मतलाशी हो मसायब आलम रंज वम में मुबतला हो बीमार परेशानियों और दुखों में में ज़िंदगी बसर कर रहे हो खौफ और भूख के अजाब से दो चार हो अमन व सलामती से महरूम हो खुशहाली और आसूदगी के लिए दर व बदर की ठोकरें खाते फिरते हो जिल्लत और रसवाई को अपना मुखदर समझ समझे हुए हो जरा कुरान मजीद की पुकार तो सुनो फ़ाइना तजहबून लोगों मुझे मुझसे मुंह मोड़ कर कहाँ जाते हो गुमराह हो जाओगे बदबख्ती में मुबला हो जाओगे दुनिया में जलील व रस्वा होंगे आख़रत में छोले उगलती हुई आग में झोंक दिए जाओगे बस मेरी तरफ पलट आओ तो यकीनन बरकत दिए जाओगे यकीनन रहमत से नवाजे जाओगे और फिर दुनिया में इज़्ज़त और इफ्तिखार पाओगे आखिरत में नेमतों भरी जन्नत में दाखिल किए जाओगे दुनिया में इज्जत, इज़्ज़तरूज और गलबे का वादा कुरान को मजबूती से थामने और इस पर अमल करने की से मशरूत है आज अगर हम दुनिया में मखलूब और जलील हैं तो इसकी वजह यह है कि हमने खुद को तर्क कर दिया हमारा माशरा ईमान नेकी, ख्वा अमानत दयानत सदा, और शजात के बजाय शख बिदात जुल्म रवी कत्ल गारत, लूट व शराब जिना, जुआ फाहशी बेहयाई और बदनामी तला है तो इसकी वजह भी यही है कि हमने कुरान को तर्क कर दिया वो ज़माने में मज्ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खुआर हुए कुरान होकर बस अगर हम इनफ़रादी और इज्तमाही पर अला और अरफा ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं अपनी जिलत और पस्ती को इज़्ज़त और व़ार में बदलना चाहते हैं तो हमें कुरान की तरफ पलटना होगा और इसके लिए रमज़ान जैसा बाबरकत महीने से अच्छा महीना और कौन सा महीना हो सकता है अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि कुरान अल-अह्दीम व किमचालनज़ीम वबी अक़लबी वनुर सदरी वजला व जहाब हमी व गमी ए इस कुरान अजीम को हमारे दिलों की बहार सीनों को मुसीबतों के दूर करने वाला और, और ग़म को ख़त्म करने का जरिया बना आमीन व आखर उदाना अनुद्ल रबालमीन जजाकल्लुकमक व वक्